गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज निशा शर्मा, आई एम योर मैथ्स टीचर। टूडे आई विल टीच यू चैप्टर सेकेंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ क्लास फोर्थ, एंड द पेज नंबर इज 13 to 22। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स। दिस इज योर बुक, मैथ मैजिक। ओके, एनसीईआरटी बुक है आपकी। ओपन पेज नंबर 13, दिस वन। ओके, सो चैप्टर सेकेंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा। लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा होता है। शॉर्ट मतलब छोटा होता है। सो हाउ फार अपार्ट आर डॉट्स, ये सारे जो डॉट्स दी रखे हैं हमें, वो कितनी कितनी दूरी पर हैं, किस किस डिस्टेंस पर बनाए हुए हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, कोई भी दो डॉट्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकाली, मतलब आप देखिए कि गैस करिए कि कितनी है। तो मैंने एक डॉट लिया है सी और एक लिया है एन। मैं गैस करती हूँ कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2.5 है। कितना है? गैस किया है मैंने कि अराउंड 2.5 सेंटीमीटर मुझे ये लग रहा है। ठीक है, सो नाउ हाउ मैनी सेंटीमीटर इज इट, अब उसे एक स्केल से मेजर करिए आप। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, स्केल के थ्रू आप इसे मेजर करिए कि ये कितना सेंटीमीटर आपका आ रहा है। तो ये मैंने मेजर किया तो ये कितना आ रहा है? 3। ठीक है, जबकि मैंने गैस किया था 2.5 और एक्चुअल क्या है? 3। डिड यू गैस राइट, क्या आपने सही गैस किया? नो, मेरा जो गैस था वो रॉन्ग था। 0.5 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। 3 - 2.5 करेंगे तो 0.5 रह गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, सो सबसे ज्यादा दूर कौन से हैं, कौन से डॉट्स हैं? तो ये देखिए ओ और एम, ये जो ओ और एम जो डॉट्स हैं वो मुझे सबसे ज्यादा दूर लग रहे हैं। सो डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। ओके, इनके बीच ओ एंड एम है और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। स्केल से मेजर किया मैंने तो क्या निकला मेरा आंसर? 10 सेंटीमीटर। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, और सबसे ज्यादा नजदीक एक दूसरे के पास में सबसे ज्यादा कौन से डॉट्स होंगे? सो ये देखिए ओ एंड डी, ओ और डी जो हैं वो सबसे ज्यादा पास लग रहे हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड डी इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने चेक किया है तो क्या आया? 1 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, द शॉर्टर लाइन। अकबर वॉज अ फेमस किंग, ही हैड अ स्मार्टर मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। अकबर एक बहुत प्रसिद्ध राजा था और उसके पास क्या था? एक स्मार्ट मिनिस्टर था, उसके पास एक बहुत ही चतुर मंत्री था जिसका नाम क्या था? बीरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बार उसने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन उसे करने को दिया। ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर, अकबर ने एक लाइन ड्रॉ करी फ्लोर पर और उसने क्या कहा? बीरबल हेयर इज अ लाइन, बीरबल यहाँ पर एक लाइन है, मेक इज शॉर्टर, मेक इट शॉर्टर, आप तुम इस लाइन को छोटा बनाओ विदाउट इरेजिंग, बिना इसे मिटाए तुम इस लाइन को छोटा बनाओ। सो बीरबल बहुत चलाक था, उसने क्या किया? नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, उसने क्या किया? अकबर से एक बड़ी लाइन उसी की लाइन के नीचे बना दी, जिससे अकबर की लाइन तो छोटी हो गई और बीरबल की लाइन बड़ी हो गई। सो लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल वॉज मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर, तो इस पिक्चर को देखिए और एक्सप्लेन करिए कि किस तरह उसने अकबर की लाइन को छोटा कर दिया। तो हम कैसे कर सकते हैं इसका आंसर? बीरबल ड्र्यू अ लॉन्गर लाइन बिलो द लाइन ड्रॉन बाय अकबर। ठीक है, बीरबल ने एक लाइन ड्रॉ करी, लंबी लाइन ड्रॉ करी अकबर की लाइन के जस्ट नीचे, ठीक है, जो कि उसकी लाइन से बड़ी थी। ठीक है, नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। तो यस, हम भी बीरबल की जैसे स्मार्ट है, ठीक है, हम बीरबल की लाइन से बड़ी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन बीरबल की लाइन से भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म,
तो ये जो लड़की बनाई हुई है इसमें हमें क्या करना है, इसकी जो लेफ्ट आर्म है वो देखिए इतनी है, तो मेक हर राइट आर्म, इसकी राइट आर्म बनानी है 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट। तो अगर ये इसकी 1 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 ही है ये, तो 1 + 1 करेंगे तो 2, यानी कि इसकी दूसरी आर्म कितनी बड़ी बनाएंगे हम, कुछ इतनी बड़ी, ठीक है। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब इस कप से 1 सेंटीमीटर हमें छोटा कप बनाना है, तो अगर जैसे कि ये हम मान लेते हैं 1.5 है, तो 1 सेंटीमीटर का स्केल से हम 1 सेंटीमीटर का कप बनाना है हमें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इससे छोटा बनाना है, तो इसके लगभग आधा बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। ये जो ब्रूम है इस झाड़ू के जस्ट हमें आधी ब्रूम बनानी है, तो ये इसका आधा हो गया, ठीक है, इस तरीके से आधी, ठीक है। अब ड्रॉ अनादर हेयर, ठीक है, हमें हेयर ऑफ डबल द लेंथ, ये जो बाल है ये इतना सा है, इसकी डबल लेंथ का हमें एक बाल बनाना है, यानी कि कुछ इस ऐसा, ये इससे डबल हो गया, ये तो इतना सा था और ये इसका डबल, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। अब आप कितने लंबे हुए हो, वो सारी कितना लंबा आपने हाइट अपनी आपकी कितनी हाइट हुई है वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। सो डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। क्या आपको याद है कि आपने क्लास 3 में अपनी हाइट मेजर की थी? सो यस, मैंने अपनी हाइट मेजर की थी। मेरी हाइट क्या थी? 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर? और क्लास 4 में आपको लगता है कि आप बड़े हुए हो? सो यस, मैं कितना बड़ा हुआ हूँ? अब मेरी हाइट क्या है? 1 मीटर 41 सेंटीमीटर। पहले 35 थी, अब कितनी हो गई? 41 सेंटीमीटर। तो कितना बढ़ गए हो आप? हाउ मच? अब आप कितना बढ़ गए हो? 6 सेंटीमीटर। कैसे किया हमने 6 सेंटीमीटर? कैसे निकाला? 1 मीटर 41 सेंटीमीटर को से माइनस किया 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 41 सेंटीमीटर माइनस 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 6 आ गया और ये 0 0, 6 सेंटीमीटर हम बड़े हुए हैं, ठीक है। Have your friends also grown taller? Yes, आपके दोस्त बड़े हुए हैं, obviously बड़े हुए होंगे, टाइम के साथ तो हर कोई बड़ा होता है, लंबा होता है। Yes, most of them, उनमें से कई, हर कोई ज़्यादातर बड़ा हुआ है, ठीक है। Find out and fill the table below। अब ये एक टेबल बनाई हुई है, आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं इधर, लास्ट ईयर उनकी हाइट क्या थी वो लिखना है, इतना इस साल उन कितना बढ़ गए वो लिखना है, और उनका डिफरेंस निकाल कर लिखना है, ठीक है। तो मैंने 3 स्टूडेंट्स लिए हैं, लक्ष्मण, अयांश और पलक। पलक, जैसे कि लास्ट ईयर लक्ष्मण की हाइट क्या थी? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। इस साल उसकी क्या हाइट है? 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। अयांश की हाइट 6 सेंटीमीटर ज्यादा हो गई है और पलक की 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। एक बार उसने, जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ, उसने एक लिस्ट देखी जिसमें सबसे ज्यादा लंबे इंसानों की उसने एक लिस्ट देखी जो दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे हैं। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर, और उनमें से एक की हाइट क्या थी, कितना लंबा था एक? 272 सेंटीमीटर, यानी 272 सेंटीमीटर वो लंबा था। दैट इज जस्ट डबल ऑफ जुम्पाज हाइट, यानी वो जुम्पा की हाइट का जस्ट कितना था? डबल था। हाउ टॉल इज जुम्पा? अब वो पूछ रहा है तो बताओ जुम्पा की हाइट क्या थी, यानी कि अगर वो इंसान ये जुम्पा का डबल है, यानी 272 का है, तो 272 का आधा कौन है, किसकी हाइट है? जुम्पा की। यानी कि कैसे निकालेंगे? 272 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा अपना? 2 1 2 0, 7 2 3 6, 2 6 12, यानी कि झुम्पा की हाइट कितनी हो गई? 136
6 centimeter. Okay, so next, could that person pass through the door of your classroom without bending? अब वो पूछ रहा है कि क्या वो जो आदमी है लंबा वाला, वो क्या तुम्हारी क्लासरूम में जा सकता है विदाउट बेंडिंग, झुके बिना, मुड़े बिना, बेंड किए बिना वो तुम्हारी क्लासरूम में जा सकता है? सो आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज डोर ऑफ आर क्लासरूम इज ओनली 250 सेंटीमीटर हाई. जो हमारा जो डोर है क्लासरूम का वो कितना है? 250 सेंटीमीटर का है, और उसकी हाइट कितनी है? 272 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वो नहीं जा सकता बेंड किए बिना. सो विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट? क्या उसका जो सिर है वो टच होगा आपकी छत के, आपके घर की छत के, अगर वो सीधा खड़ा होगा? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? येस, बिकॉज द हाइट ऑफ माई क्लासरूम इज 300 सेंटीमीटर. अब येस, उसका जो सिर है वो टच होगा, क्योंकि उसकी जो रूफ की हाइट है उस रूम की वो कितनी है? 300 सेंटीमीटर. तो उसका सिर जो है वो टच होगा. ठीक है, नाउ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली. अब फैमिली के लिए पूछ रहे हैं, हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? सबसे लंबा आपकी फैमिली में कौन है? तो मेरे फादर हैं, तो मैंने अपना आंसर, फादर की हाइट लिखी है 175 सेंटीमीटर. हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली? आप सबसे छोटा कौन है आपकी फैमिली में? तो आप उसकी हाइट लिख सकते हैं. मैंने अपनी बहन की हाइट लिखी है 96 सेंटीमीटर. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट? अब सबसे लंबे इंसान और सबसे छोटे वाले इंसान की हाइट्स का डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा? 81 सेंटीमीटर. ठीक है, इसी तरीके से आप भी निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस. दिस इज अ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स. अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, तो शी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट. देखो, ये फिनिशिंग लाइन है, ये अरुंधति है, तो अरुंधति कितना दूर हो गई इससे? 6 मीटर. ठीक है, इसकी, इसका डिफरेंस कितना है? 6 मीटर. देन बिहाइंड हर इज रिहाना. कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना. अरुंधति के पीछे रिहाना है, रिहाना के पीछे कौन है? कोंकणा एंड उमा. ठीक है, लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलोज, चूज फ्रॉम द दीज डिस्टेंसेस. यानी कि अब हमें निकालना है हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति. अब देखिए, ये फिनिशिंग लाइन है, ठीक है, ये आपकी अरुंधति है, अरुंधति के बाद रिहाना, रिहाना के बाद कोंकणा और उमा. तो ये जो हाइट है वो लगभग हमें कितना बताया है? 6 मीटर्स की हाइट है. ठीक है, और ये जो रिहाना है अरुंधति से लगभग उससे आधी हाइट, आधी दूरी पर है, तो ये कितना हो जाएगा? आधा, 6 का हाफ क्या होता है? 3, तो ये 3 मीटर्स हो गया. और ये जो उमा और कोंकणा है वो इतनी दूरी लग रही है जितना कि अरुंधति इस लाइन से है, फिनिशिंग लाइन से, तो ये भी कितना हो गया? 6 मीटर. अब वो पूछ रहा है कि हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति. तो ये रिहाना है, ठीक है, अरुंधति से कितना दूर हो गई? 3 मीटर्स. एंड हाउ फार अहेड इज रिहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा, ये 6 हो गया. ये जो है वो इससे कितना दूरी पर है? 6 मीटर. हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम फिनिशिंग लाइन? अब ये जो है वो फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे, 6 + 3 + 6. 6 + 6 क्या होता है? 12. 12 + 6 क्या होता है? 15. 15 मीटर हो गया. ठीक है, आंसर. हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस? आपने कभी 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस सुनी है? यू रिमेम्बर दैट 1000 मीटर मेक 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर मेक हाफ किलोमीटर. हाँ, हमने अपनी अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर एंड हाफ किलोमीटर 500 मीटर. ठीक है, अगर 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं तो हाफ किलोमीटर में अपने 500 मीटर रह गए. ठीक है,
So in a 1500 meter race, people run कितने किलोमीटर? वो कह रहा है कि 1500 मीटर की रेस में पीपल को कितना भागना पड़ेगा, कितने किलोमीटर में भागना पड़ेगा. तो 1500 को किलोमीटर में कैसे करेंगे हम? 1500 दैट मीन्स 1000 एंड 500, ठीक है, यानी कि एक किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर, वन एंड हाफ, ठीक है. तो आंसर विल बी वन एंड हाफ किलोमीटर उन्हें रन करना होगा. इन अ 3000 मीटर्स रेस पीपल रन 3 किलोमीटर, कितना उन्हें भागना होगा? 3 किलोमीटर. 3000 को हम 3000 मीटर में है, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा? ओनली 3 किलोमीटर, ठीक है. सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास. इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.